बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज हमारी खूबसूरत सी कलाकारा आप सभी के सामने लैला ओ लैला पेश करे। जोरदार तालियों के साथ तरन्नुम का स्वागत कीजिए। लैला तू लैला लैला, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। ओ मेहमान खुसूसी आज हमारे बीच आ रहे हैं, मस्किटो किंग बनाना स्किन आला महाराज, आपके लिए जोरदार गालियां, मेरा मतलब तालियां। एटम को जाके बोल मेरे गोद में आके बैठो, जा तू भी जा इसके साथ में जा। हाँ चलिए चीचा आ जाओ, बहुत हो गया, साइड में आओ, आ जाओ बहुत हो गया, स्टेट टू याद आओ जी, नाच लिए ना, खत्म जाओ। उम्मीद करते हैं हंगामा ग्रुप का ये गीत आप सभी को बहुत पसंद आया। आइए बढ़ते हैं और एक दूसरे गाने की तरफ, अपने अपने जगह पर बैठ कर सुनिए, स्टेज पर आकर स्टेज मत तोड़िए। ये क्या हो गया भाई को तुम्हारे, पूरी हवा उतर गई इनकी, क्या कर डाले की मोटे, ये देखो जेब में 2 रुपए। वहाँ जावेद भाई की पंचर की दुकान रहती, वहाँ उनकी दुकान पे जाके हवा भरा लो। हवा भराना भाई, जाओ जाओ जाओ, ए पैकअप करके निकलो ना जल्दी यहाँ से। अरे बजरंगी मुंह धोए तक नाश्ता लगा। भाई आप जेल का मोटा चावल चबा चबा कर थक गए होंगे, आपको घर की नरम नरम रोटी खिलाता हूँ, बड़ा मजा आएगा खाकर। छोटो, अरे क्या रे छोटू, टाकी में पानी नहीं भरे क्या? अरे लाया भाई। अरे क्या तो भी है तू, फर्स्ट फ्लोर से डाले जैसा दिख रहा पानी। भाई मुंह धोने से अच्छा नहा लेना था भाई। यहाँ धोने पानी नहीं है, नहाएंगे कैसे रे भाई? टाकी का ढक्कन खुला था। अच्छा? सारा कौवे पानी पी पी के खत्म कर दिए। अच्छा वह टाकी लेके नहीं उड़ गए? टाकी लेके उड़ते थे तो भाई पुलिस में रिपोर्ट करता था उनकी मैं। क्या रे तू आल है, रोटियां सेकते से कपड़ा है, चल तुम्हारी माँ के जंगलिया मारू। चल भाई बजरंगी मुंह पोछ के काला कर दिया वो तू आल पूरा। आये भाई। क्या मिया, रोटी ताजी है ना? ताजी है भाई, जेल जाने से पहले आप खाकर गए थे ना। क्या है रे, नमक की जगह शुगर लिख दिया ने नमक के डब्बे पे है? भाई वो तो चुंटियों को धोखा देने के लिए लिख के रखा था मैं, आप कहीं को धोखा खाए? चुंटियां धोखा नहीं खाते, तुम लोगों के जैसा फुगट खाते। कहा है मेरा हारमोनियम ढोलक, निकालो। साजन आ जाओ,
किया है प्यार में कभी हम जुदा ना। अरे मियां मेरा ढोलक कहाँ है? अभी लेके आया भाई। लेके आओ साजन आजा। भाई ये लीजिए आपका ढोलक। अरे मियां इसकी भी हालत खराब कर दी है, साफ तो रखो इसको। क्या है रे? वो आप जेल में गए थे ना, आपकी याद में ढोल भी फूट गया। भाई अरे निकाल। हाँ हाँ साजन। वो सब छोड़ो, बस्ती वालों का क्या हाल है? आप जेल को गए ना, जब से रोजाना जश्न मना रहे। अबा अब बता तो एक एक का मजा। यार रात में ऑर्केस्ट्रा में जाना है, याद दिलाओ। हाँ भाई भाई आपको देखते बस्ती वाले के चेहरे जल गए। देखो ये कुटने अपनी बात करने जैसा है। हाँ हाँ चलो। देश भर में फांसियों का सीजन चल रहा, इसको फांसी कहीं क्यों नहीं की, किस्मत है साले की। अस्सलाम वालेकुम। बुरे आदमी का बुरा सोच सकते मगर बुरा करने की हिम्मत कहाँ से लाते? मियां भाई हम तो आपकी रिहाई के लिए दिन रात दुआ कर रहे थे, यकीन मानो। तुम लोगों की दुआ में असर रहता तो मैं कब की मर गया था। भाई वहाँ पाशा भाई के घर का सौदा हो रहा, जाके देखो। दो हफ्ते में मेरा जो भी हिसाब हुआ जमा करके दे दो, अब आ गए हो मैं, समझे? चलो मियां और एक जगह। दो साल के लिए मकान आपका होगा, इस पे साइन करें। ये रहे। अरे नहीं आप पे भरोसा है। पाशा भाई आपका हमारा साथ आम गुटली की तरह निचोड़े तक साथ रहना है, सही बोल रहा ना? और क्या रे पापियो मेरे से पहले पहुंच गए यहाँ पे? हाँ क्या यहाँ सूखे टुकड़ों पे कौओं की मेहमानदारी हो रही है? जाओ बैगन जाओ काम करो, नहीं तो इंडिया वापस लाल मट्टी के दौर में चले जाएगा। चलो जाओ जाओ यार। क्या खाने का ऑर्डर क्या? जाओ चाचा जाओ ना। पाशा भाई हम क्या 14 दिन ससुराली मेहमान हुए, आप तो बेवफा सनम निकले, हमारे को बगैर बोले मकान का सौदा कर ले रहे हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया मियां भाई, आपको बताने का मौका नहीं मिला, वैसे मकान रहन पे दे रहा हूँ, बेच थोड़ी रहा हूँ। खैर तुम्हारी झूठ सारा आंखों पे, ले लो मियां, भाई लोग अपना हाथ दे रहे। भाई 5,000 रुपए कहते हैं क्या? रेडी पे बिठा के गुल्लती खिला रहे, बच्चा समझे मेरे को? अरे इतने भी क्यों दे भाई? नको दियो, जब मकान पे बड़े बड़े फतरे पड़ेंगे, दरवाजे के सामने कचरा मिलेगा और तुम्हारी बेटी को आते जाते ये शरीफ लोग छेड़ेंगे तब पता चलेगा। ये बंदर भपकिया मुझे मत दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो दुनिया में रहना है तो अमेरिका से, और मोहल्ले में रहना है तो मियां भाई से डरना सीख लो, समझे? तशद्दुद कैगू, आपके पैसे है ना, आपके घर पहुँच जाएंगे भाई। देख झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो तेरे जैसे मुर्दों की पहचान होती है, सीख जिंदा आदमी से हम जैसे शरीफों की इज्जत करना। मियां चलो पाशा भाई शाम तक भिजाते पूरे पैसे, चलो। जयराम जी की। आपने इस गुंडे को पैसे देकर अच्छा नहीं किया। आपको भी बैल के आगे लाल कपड़ा बताने की बीमारी है क्या? कहां लगा लेंगे ऐसे लोगों को? बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैना जाए, जरा पास आओ तो चैना जाए। शुक्रिया दोस्तों, तो आइए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं आज के नौशा साहब का। इनको देखकर मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ गया, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। वाह, तो आइए आज की हमारी खूबसूरत गोलाकारा का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, तरन्नुम, और ये पेश करेंगी प्यार दो प्यार लो। अरे बजरंगी
ये आर्केस्ट्रा में नई जयपर्दा कौन है जरा मालूम कर, इन्हें सिर्फ दिखने में महंगी है या सही भी महंगी है? ठीक है भाई चलो। चलो माफ करो माफ करो, चलो दिखना नहीं यहाँ पे। एक सेकंड रुक रुक रुक, क्या है भाई? ये जो गाना है ना भाई की पसंद का है, भाई गाएंगे। गाना गाना था तुम्हारे भाई को? हाँ क्या बोला, मजाक कर रहा क्या? बैंड बोर्ड के नीचे भेजू क्या तेरे को? बोलो। आज हमारे बीच और एक खूबसूरत से सिंगर है जिनका नाम है मियां भाई। उनको देख के ये नहीं लगता कि वो कुछ गा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा गीत आपके सामने पेश करेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं उनके पट्टे। आइए देखते हैं। गाना मुश्किल है, गा लेते। तेरी उम्र उतनी नहीं है जितना मेरे को संगीत का तजुर्बा है, समझा? तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं दिख रहा। ए दोनों जवानी की मस्ती में चूर, दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब रब, एक्सीडेंट हो गया रब रब। नहीं रे, सुर बराबर नहीं लग रहे। अरे नहीं भाई, आपके गले में सरस्वती है। बस एक बार उस्ताद बंदे अली खान के चार पांच सुर आपके गले में उतर जाए, फिर देखिएगा आवाज का उतार चढ़ाव भी आ जाएगा। चुप बैठ रहे खोटे सिक्के, खाली दो महीने से फिरा रहा उस्ताद बंदे अली खान, बंदे अली खान मिला रहा ना कर रहा। ऐसा क्या, अभी टाइम फिक्स करता हूँ ना भाई। भाई ये सेट के बाद क्या था भाई? तेरा मुंडा आता। उस्ताद जी आपसे मिलना है। दो दिन में मिलेंगे मियां, जरा मकान शिफ्ट करो बेटे। फिर मकान का किराया नहीं दिया शायद? आप कहाँ लिए मकान? भारत नगर में शिफ्ट हो रहा हूँ। भारत नगर में? अरे वही तो हम लोग रहते हैं, वहाँ किसके वहाँ उतरे? अरे वो बशीर भाई कहते, पहचानता उनको, उनके ही घर में उतर रहा हूँ। अरे उन्हें पहचानता, उन्हें हमारे बाजू में रहते, फिर तो रोज मिलेंगे। ठीक है भाई, भगवान आप पर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अपने बाजू में रहने के लिए आ रहे। भाई मुंडे के बाद क्या था भाई? ये आता है साजिद, प्लीज मेरे से ना ये नेहा टाइप के गाने नक्कू गवाओ प्लीज, ये आइटम वाइटम सॉन्ग्स। ऐसा एक काम करेंगे, कौन सा गाना है वो? चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, वो गाना गा लेंगे और हमला तुम्हारे हाथों में क्या छोटा चूस पे। क्या बोलेंगे यार, अपना हिसाब भी बोर्ची कैसा है, जो खाना बोलो पकाना पड़ता क्या? अरे मियां एड्रेस तो सही है ना, पिंडा कोई भी नहीं देख रहे यहां। एड्रेस तो सही है साहब, ये डेट देख मियां। अरे एक बार के लिए अपने माँ और बाप का नाम भूल सकते, लेकिन गुत्ते की डेट और एड्रेस कभी नहीं भूल सकते। 100% यही छेड़ रहे से बॉस।
हमारे क्या नाम बाबा, गुमनाम बादशाह। हेलो, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं मालूम तुम लोगों को क्या हुआ सो? क्या हुआ? हाँ, इंतकाल हो गया ना लोगों के पास। कोई भरे कोई, अब उनके घर का कोई मर गया तो हम क्या करना? ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे पूरे एक साथ लेने का। देखा, मरने वाला मर गया, एक दिन हमारा भी खराब कर गया। जर्रा थेर पार्टी को फोन तो मिलेंगे। स्पीकर पे डाले भाई। हेलो खान साहब, क्या हुआ? दावत में तो बुला लिए मगर यहाँ फंक्शनल में आके देखे तो हू का आलम है। कहाँ बजाना है? क्या रे तुम ना पेपर नहीं पढ़ते, हमारे दादा का इंतकाल हो गया बोल के वलीमा कैंसिल कर दिए। ये बहुत अफसोस की बात है खान साहब। अब बुरा नहीं माने तो एक बात बोलता हूँ, ऐसे मौकों के लिए भी बहुत अच्छे गाने हमारे पास। कौन सा गाना है? हम छोड़ छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। अच्छा ना दिखा क्या? हमारे दादा की मैयत पे ऑर्केस्ट्रा रखने का आइडिया दे रहा हमारे को। चलो अच्छा है, आज मेरी आवाज भी ठीक नहीं है, मैं घर जाके आराम कर। यही चाह रहे थे तुम? चलो आज अपन दूसरी जगह बजाएंगे। क्या रे ऐसा खुश हो रहे, बजा बजा के थकते नहीं तुम लोग? ऑर्केस्ट्रा में अपना गाना शुरू होते ही सबकी आवाज़ें फीके पड़ गए। भाई मैं एक किताब लिखा, किताब का नाम है घड़ी की आवाज। देखा मियाँ, दो दिन हुआ एबीसीडी सीख के किताब लिख दिया, तेरे को तो एबीसीडी भी नहीं आती। घड़ी की आवाज, टाइटल तो जबरदस्त लिखा मियाँ। टिक 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 टिक। अरे क्या है रे टिक 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 टिक? हाँ भाई घड़ी टिक टिक ही करती ना खाली। आ? अरे बीच में घंटा भी रहता रे, पकड़िए भाई। आपकी जय पड़दा रही। पूरी खा रहा था मैं तो रस्ते से जा रहा था। शट अप, मुझे इस टाइप की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? अरे महफिल की शमा इस तरह परवानों से बेरुखी जताएंगी तो जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहां जाए। अरे भाई उस्ताद की क्लास का टाइम हो गया। अरे चलो मियां कपड़े चेंज करके निकल जाएंगे। हाँ भाई, नहीं तो बुड्ढा पुकार लेता। चलो पहले दिन लेट हो गए बल्कि। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को। मन की वाह, ये तो जाने दुनिया सारी। वाह क्या बात है मियां। बस मियां आज के लिए इतना काफी है, खुदा हाफिज, अल्लाह अच्छा रखो। भाई क्या जबरदस्त आवाज है नहीं बच्चे की। पोटा सोलट गया भाई। क्या गा रहा था मियां? ऐसा दिख रहा था वो कब्रिस्तान का कुत्ते भुकते नहीं वैसा गा रहा था, ऐसा क्या गा रहा था? उस्ताद क्या बात है, तुम्हारे नसीब में यह खाली कबाड़ खाना लिखा है क्या? मियां फनकारों की जिंदगी में सिवाय मुफलिसी के क्या रहता, मुफलिसी में जीते मुफलिसी में मर जाते। हाँ ये बात है। क्या उस्ताद गाना सिखाते या खाली कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ निकालना सिखाते? मियां कुत्ते बिल्लियों को भी गाना सिखा देते, खानदानी पेशा है, हमारे सक्कड़ दादा संगीत सम्राट तानसिंह के शागिर्द थे, समझे? तुम्हारे बातों से तो लग रहा तुम बहुत सिर में दर्द करने वाले हैं। चार चाय तो मंगाओ पहले। बेगम एक चार चाय बना दो भाई। चार खाने रखो कब्रिस्तान ले जाने, चार दिन से झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, वो तो धोना तुमको हाथ नहीं हो रहा, ऊपर से ऑर्डर दे रहे हैं अभी। कौन है ये? बीवी है मियाँ। अच्छा। हमारे बी पाशा, चार यतीम गरीब फकीर बच्चे आए जी, चाय पिला दो, अल्लाह तुमको सवाब देगा। वो गरीब यतीम बच्चों को बोलो घर में शक्करपति कुछ भी नहीं है। इलेमिया शक्करपति दूध ले क्या? पानी नहीं है, 20 लीटर पानी का बॉटल भी मंगा लो। 20 लीटर का बॉटल? क्या पूरे महल्ले को चाय पिलाना है? एक देखचा भी मंगा लूं क्या? मेरे को ताने नहीं मानना, मैं बहुत खुददार औरत हूँ समझे। अबा ले मियां ले। कहां-कहां से की आ जाते। खैर आप ये बोलो कितने दिन में क्या सिखाते मेरे को? अरे मियां मैं तुमको 2 महीने में मोहम्मद रफी बना देता हूँ। इतनी लंबी लंबी नको भाई मेरे को,
मेरे को सिर्फ शब्बीर कुमार तक पहुंचा दिए तो मेहरबानी। कहीं को बोले तो मैं शब्बीर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सुरीले सिंगर के तुम फैन हो। पर पतों से आज मैं टकरा गया। वाह वाह, तुमने दिया बाज, लो मैं आ गया। खामोश, एक दिन में कैसा आता रे? क्या हुआ ये? 24 घंटे नहीं हुआ इसको घर देखे, कैसा पुकारा है ये? अब भी सामान फेंक तो देखो इसका। अजी कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर मियाँ भाई और उनके दोस्तों की गैंग बैठी हुई है। हाँ ऐसा? हाँ जरा पानी तो लाओ गिलास। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। पानी मार रख दे। ये तेरी मेरी जान जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जिद जिद। क्या बात है भाई। आ याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तुमसे मिलकर ना जाने और भी इतना जल्दी बन गई? मियाँ किसकी बीवी है? जैसा जबान की तेज है वैसा काम की भी तेज है। अरे मियाँ जाके तू चाय लेके आ, उन्हें लेके आए तक चाय आइसक्रीम हो जाती। अरे मियाँ पहले चाय पी लेंगे, चाय ठंडी हो जाती। अरे ये चाय है, ये खाली पानी में दूध शक्कर पत्ती मिला के दे दिए। क्या करेंगे, घर में गैस नहीं है तो चाय ऐसी बनती। कल एक गैस सिलेंडर ला लो। मियाँ कल आते आते तुम इस थर्मास में चाय ला लेना। उस्ताद हाँ, ये खाला मिस्टर इंडिया की तरह सुनाई देते, दिखाई नहीं देते क्या? खाला होंगी तेरी माँ, इसको खाला बोला रे, खाला कते खाला। कुछ एडवांस दे देना था, घर में राशन नहीं है। अल्लाह आबाद रखे। अब यहाँ से मैं सीधा मंडी को जा रहा हूँ जी। मे आई कम इन सर? यस यस यस, प्लीज यंग मैन टेक योर सीट। थैंक यू सर। आओ भाई टमाटर भी ला लेता हूँ, रखो फोन। नो टाइम वेस्ट, प्लीज गिव मी योर क्रेडेंशियल्स फास्टर। एसएससी फर्स्ट क्लास जी, इंटर भी फर्स्ट क्लास, डिग्री भी फर्स्ट क्लास किया है। हाँ सर, एंड आई एम ओनली द गाय हु विल मेक योर कंपनी आल्सो फर्स्ट क्लास। और वैसे तुमने कंप्यूटर की पढ़ाई भी बहुत अच्छी।